कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने गुरुवार को कोरबा लोकसभा क्षेत्र के चिरमिरी क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपके जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उन पर इतना हमला क्यों हुआ? क्योंकि आपके स्वाभिमान की बात करना उनको अच्छा नहीं लगा। भूपेश बघेल एक मुख्यमंत्री ऐसे थे जो खड़े हो जाते हैं अपने प्रदेश के लिए, जो लड़ लेते हैं अपनी जनता के लिए, तो इनको दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात की, इसलिए उन पर सबसे ज्यादा हमला हुआ। प्रियंका वाड्रा ने चिरमिरी में कोयला खदान का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों को रोजगार मिले, इसलिए इंदिरा गांधी ने खदानों का राष्ट्रीयकरण करवाया था। सम्मान है, स्वाभिमान है, वो देश भर में उसका नाम बना है। और मेरे पहले बघेल जी बोले, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बघेल जी ने खूब कोशिश की आपके प्रदेश को आगे बढ़ाने की, और मेरे ख्याल से उन्हीं कोशिशों की वजह से सबसे ज़्यादा आक्रमण उन्हीं पे हुआ। उन्होंने जो छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात उठाई, ये पहली बार पूरे देश भर में पहली। दिल्ली में भी सबने देखा सुना छत्तीसगढ़ के बारे में। मैं कहीं जाती थी, लोग मुझे कहते थे कि वहाँ पे तो बहुत तरक्की हो रही है, और लोग बात करते कि किस तरह से आपके प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जब ये काम तेजी से आपके प्रदेश में होने लगा, तो जो बाकी जो राजनीतिक दल हैं, खास तौर से भाजपा को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उनकी राजनीति कुछ अलग है। मेरी बहनें आप बैठी हैं, मैं चाहती हूँ आप बहुत गहराई से समझिए कि आज देश में किस तरह की राजनीति चल रही है, देश में कैसे नेताओं पर आक्रमण हो रहा है, कैसे नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ चिरमिरी में सबसे पुराना जो कोयला का खदान है यही है कि नहीं? 100 वर्ष पहले ये बनाया गया। यहाँ जो कोयले का क्षेत्र है वो आगे उसको आगे इंदिरा जी ने बढ़ाया, उन्होंने जो खदान है उनका राष्ट्रीयकरण कराया ताकि आप सबको रोजगार मिले, यहाँ पे खुशहाली आए, और इसी के जरिए लाखों मजदूरों को रोजगार मिला। आज जो देश में राजनीति है वो एक तरह से गरीबों के विरोधी, मजदूरों के विरोधी, श्रमिकों के विरोधी, किसानों के विरोधी राजनीति चल रही है। आपको बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बताई जाती हैं, खास तौर से जब भाजपा के बड़े बड़े नेता आपके सामने आते हैं, आपको बताते हैं कि देश में बहुत खुशहाली है, अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो रही है, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत चीज़ें गिनाते हैं कि बड़े बड़े इवेंट किए हैं, बड़े बड़े विदेश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारे देश में आए हैं। लेकिन जब मैं आपसे कहती हूँ कि आपको गहराई से बातें समझनी हैं, तो मेरा मतलब ये है कि ये जो नेता आपके सामने आते हैं और ये सारी बातें कर रहे हैं, भाजपा के नेता, खास तौर से मोदी जी, तो आपको गहराई से पूछना पड़ेगा अपने आप से कि भाई ये आपकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आपकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं आज के दिन, है कि नहीं? मेरे भाई यहां खड़े हैं, है ना? आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन उनकी बात इन मंचों पे नहीं हो रही है। इन मंचों पे जो बात होती है वो बड़े बड़े इवेंट की बात होती है, कोई G20 बोलता है, कोई पाकिस्तान की बात करता है, कोई चीन की बात करता है। आपके जीवन में जिन संघर्षों से आप गुजर रहे हैं उनकी बात नहीं होती। आज यहाँ आप ही के इलाके में हालात क्या है, कई खदानें बंद हो गई हैं, हुए कि नहीं? हुए है ना? और कईयों का निजीकरण हो गया है। बघेल जी ने बोला बड़े बड़े खरबपति अडानी जी को दिए गए हैं, कांग्रेस के जरिए ये बनवाए गए। यहाँ पे कोरबा कोल फील्ड्स थी, सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाए,
लेकिन मोदी जी ने लगभग सब कुछ आस्ते आस्ते अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे दिया है। यहाँ के खदान, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, सारी सड़कें, बिजली, पावर, ये सारी चीज़ें अब अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दी हैं। ये सब चीज़ें बहनों और भाइयों, ये सब संपत्ति किसकी है? ये संपत्ति मोदी जी की नहीं है, ये संपत्ति किसी नेता की नहीं है, ये देश